हाँ जी दोस्तों, क्या हाल चाल। वेलकम बैक टू माय न्यू व्लॉग। तो आज सुबह सुबह देखो पल्लू मैडम वहाँ पे कर रही है रील बनाने की तैयारी। किस तरह की रील बनानी है बता, बोल तो सही, किस तरह की बनानी है। के पास खड़ी होंगी ना, वो दूसरा गाना सुना आपने ना, वो ऐसे से करूंगी, लास्ट में ऐसे घुमा के सीधे साड़ी बन गया, सुंदर बन गया, मेकअप करके बना दोगे। नहीं वो मेरे से नहीं हो पाएगा, मुझे रील फोबिया हो गया पता है। अच्छा रील्स देख के मेरा दिल करता है क्या मैं भी वैसी चश्मा से लिया था, इसमें पूरी चप्पू लगती है तुम, तो चप्पू मैंने रील बनाने के पहले उसमें भी तो पहले चप्पू से बनते, फिर बाद में ऐसे घुमा के तेरा, इसका बोलने का मतलब पहले चप्पू बन के आना, फिर रील बन के आना, फिर बाद में ऐसे फुल तैयार। वैसे ही ब्लॉग में दिखा दे, उसमें क्या है, तो भी एक ही बात हो जाएगी भाई। रसोई में आप देखो मम्मी ने क्या धुआं मचा के रखा है यहाँ पे। मम्मी जी क्या कर रहे हो, क्या ये पकौड़ी क्या बोलते, भून रही हो, मक्की भून रहे हो। देखो कल जो मक्की लेके आए थे ना, ओए नहीं पीछे हो जाओ, कोई बात नहीं। अभी नहीं दे रही भाई, मैंने ट्राई करके देख लिया, मम्मी नहीं दे रही है। वैसे ले लो मम्मी वीडियो के लिए ना, ले लो। चलो ठीक है। इसके ऊपर एक चीज करनी है पल्लू, आओ थोड़ा सा नमक और नींबू है मम्मी, नींबू तो यहाँ नहीं होगा, पेड़ के ऊपर होगा, भी कौन जाएगा लेने, पेड़ में तो नहीं, पर इसके ऊपर थोड़ा सा नमक लगाते हैं। ये देखो इसके ऊपर मैंने नमक और मिर्ची थोड़ी थोड़ी फेंक लिया, एंड आहा भाई फीलिंग बड़ी मस्त आती है। और मम्मी क्या कर रहे हैं ना, ये भून के रखेंगे, मिर्ची फेंक ली इसके ऊपर रखेंगे, हाँ नमक मिर्च और नींबू तो लगता है, और बाद में रख लेंगे। सर्दियों में ना थोड़ा टाइम बाद जब बर्फ पड़ेगी ना, उस टाइम पे भी खाने का मजा आता है, बट अभी तो पूछो मत, उस टाइम अखरोट के साथ खाने का मजा ही कुछ अलग है। अखरोट अभी भी हैं, पर अभी इतने नहीं, जब वो सूख जाती है बर्फ टाइम पर तब खाने गर्म लगती है, बट ये बात याद रखना ठीक है, जिनको भी खानी गर्म ज्यादा होती है। चलो अभी चैलेंज कर रहे हैं, और पल्लू ने मम्मी से गालियाँ सुन ली है, ठीक है। बोल पल्लू, मम्मी आग पान, मम्मी गद्दी में बोलती नहीं था, मम्मी पर चल जाएगा, मम्मी पानी गिलास दिए प्लीज मम्मी। मैं बोलता हूँ, देखना मेरी बारी को मम्मी आ भी जाते हैं, वैसे बोलते नहीं है, मैं कभी ऐसे बोलता नहीं हूँ मम्मी को लाने को, बट कैमरा में गालियाँ खानी है। मम्मी ओ मम्मी मम्मी, चिमटा खड़केगा, चिमटा जानते हो तो, चिमटा क्या होता है। अभी तो देखो यहाँ पे अपनी बीड़ी वाली अम्मा की एंट्री हो चुकी है, और अम्मा मैं मम्मी से गालियाँ करूँ, मैं सुनने वाला काम। चलो मम्मी को थोड़ा छेड़ के देखते हैं, और मम्मी तो अंदर जो है ना मक्का भून रही है। मामी पानी गिलास पिया, लहरिए पिया। मम्मी बोल रही है बोलो लकड़ पी लकड़ पियो। अम्मा कैसे हंस रही है, अम्मा आप क्यों हंस रहे हो ऐसे मेरे को गाली दी है ना। हाँ सास हो गए, देखो आपकी बहू कैसे बदतमीजी करती है, डांटो बोलना ऐसे कैसे बोल रही ऐसे करती मम्मी। नहीं तो आपकी तो वो है ना नूह है, फिर बोलना ऐसे बच्चों से प्यार से बात नहीं कर सकती। बड़ा हो गया ना, वैसे मैं कभी भी ऐसे ना बोलता नहीं हूँ लिटरली मम्मी को कि पानी का गिलास, तो बस एक्सपेरिमेंट के लिए बोला था। और देखो आपको पता है ईबू बात कर रही है, वो ईबू से बात करवाना मेरी मम्मी, ईबू से बात करवानी, ईबू मेरे से करती है, करवा ईबू से बात, ईबू ईबू। तो यहाँ पे आप देखो मम्मी कर रही है ईबू से बात, और अभी देखो मम्मी ने कितने सारे ये तैयार कर दिए। मम्मी हाँ जी, सर में दर्द हो रही है, हल्की हल्की एक और खा लो, खा ले मेरा, और क्या पूरे टोकरी खा ले, तेरे को दाग तो होना चाहिए ना, मेरे को क्या है, नहीं खराब तो नहीं लगते ज्यादा, खराब तो नहीं लगते, पता नहीं अभी क्या पता। तो देखो इतने कर दिए मम्मी ने तैयार, ये सारे भून दोगे आपने, वाह भाई क्या बात है। तो मम्मी को थोड़ी देर परेशान करने के बाद दोस्तों अभी मैं और पल्लू आ चुके हैं यहाँ पे पानी भरने के लिए, और ये रहा नलका, और ये जो पानी है ना डायरेक्टली यहाँ से नहीं उस नाले से आता है, ठीक है। और हमारे घर पे जो नलके का पानी है वो आता है हमारी सड़क के ऊपर से, और हमारे बुजुर्ग पता कैसे हुआ करते थे, उन्होंने मेन रोड के पास इसलिए प्रॉपर्टी नहीं ली उस टाइम पे, ये सोच के कि नाले के पास जाके बैठते हैं, वहाँ पे पानी वगैरह की व्यवस्था अच्छी होगी, क्योंकि उस टाइम पर नलके वगैरह हुआ नहीं करते थे। तो उस टाइम के हिसाब से देखा जाए तो बहुत प्यारा गाँव है, बट अगर आज के टाइम से देखा जाए तो देखो मेन रोड जो वो बहुत ऊपर रह जाती है, और गांव यहाँ पे जाके आता है। पल्लू क्या लगता है तेरे को, अच्छा किया हमारे दादा लोगों ने? उस टाइम तो अच्छा था, पर आज के टाइम में सोचा अगर रोड है जगह हमारी तो फिर क्या होता, फिर तो मेरा होम स्टे भी रोड में होता है ना, मैं भी रोड में होता, अच्छा रहता, फिर मजे ही मजे हो जाते। क्योंकि आज के टाइम पे क्या है ना, जिनके मार्केट के आसपास घर होते हैं ना, उनके पास अर्निंग सोर्स बहुत हो जाते हैं, बट जो गांव में होते हैं ना मेरे जैसे जुगाड़ी, तो भाई उनको तो जुगाड़ लगा लगा के सब करना पड़ता है। सिम्बा तू क्यों आया है? देखो सिम्बा भी हमारे साथ पानी लेने के लिए आया है। क्यों खींच लेते हैं वैसे, पता है गले वो टूट जाएगा, नहीं गले में इतना स्ट्रॉन्ग तो नहीं होता, पर मैंने मूवीज में देखा है वो डॉग जो ऐसे ऐसे करके आदमी को खींच के लेके जाते हैं। वो भी है। सिम्बा ले जाएगा तो पानी की बाल्टी, क्यों आया तू? ले जाएगा पुत्र, आए क्यों फिर? ये आ गया टाइम पास करने के लिए। ओ, सही बताऊं तो दोस्तों बाल्टी जो है ना बहुत दिनों के बाद आज पानी की भर के उठा रहा हूँ, और ऊपर से खड़ी सीढ़ियाँ हैं भाई, सीधे आप देख सकते हो, तो यहाँ से ना मेहनत काफी करनी पड़ती है। वो मोटी ले आएगी तू, बोला आपने मुझे मोटी, मैं मोटी कोई? कमेंट करके बताना दोस्तों, लगती है ना ये, ऐसे लगता है तो है, धोखा खा जाते हैं। एक बेचारा बर्गर वाला क्या बोल रहा था तुझे देख के, याद है? वो उसने वाले मोटी बोले कि मतलब पल्लू का मोटापा देख के बंदा बोलता है ये मैडम जी तो पक्का सरकारी जॉब करती है, और भाई मेरे पर्सनैलिटी देख के बोला था, पर्सनैलिटी से सरकारी लगती है, बोले कि पर्सनैलिटी ऐसी लग रही, बोले कि सरकारी जॉब करती है, हाँ ऐसे बोला था। चलो तो अब इसे भाई लेके चलते हैं घर और पहुंचाते हैं। नहीं बस एक ही बार बहुत है। वो देखो मोटे लोगों का कमाल, पता चला अब देखो इसने भाई कैमरा देखते ही बाल्टी उठा ली। देखो ऐसी बात नहीं क्या, पर साहब सांस ले ले पहले सांस ले ले, पर साहब पर मोर गए थे ना, हाँ। सड़क से भरो सिलेंडर उठा के लेके आई थी। अच्छा सड़क से, और ये इतनी सी चढ़ाई देखो वहाँ से और यहाँ तक लाने में, सांस देख फूल गई। हमारे गांव में एक नई नई शादी हुई है, देखो हेलो रेड कलर का जो ये ना तभी डाल के बैठते हैं। और जी नई नवेली दुल्हन कैसे हो? ठीक हो? चाची है मेरी, देखो अभी तक कितने साल हो गए शादी को, दो बच्चे हो गए, और कितने साल हो गए पुरानी वो दो बच्चे ही वहाँ से देखो एक वो दूसरा। और चाची अभी रेड डालना कम कर दो, ये दुल्हने डालती है ऐसे ऐसे, देखो पूरे टिक्का लगा के बैठी होती है हर टाइम पे। वैसे चाची को ये जान करके भी करना पड़ता है, क्योंकि गाँव में क्या होता है ना, गाँव की लेडीज लेती है घूंघट। यहाँ पे देखो ये चाची है, वो सामने देख रहे हो, वहाँ पे अपने दादाजी है, वो देखो जो फाइट करते है ना लड़ाई वाले कपल, क्या हुआ उनसे डाला घूंघट, हाँ उनसे डाला है घूंघट ताकि नजरें कहीं मिल ना जाए। चाची मिल भी जाए तो क्या होगा? अच्छा कुछ भी नहीं होता नहीं होता कुछ भी ना देखो भाई, पता इस चिड़िया को मैं नूरा फतेह बोलता हूँ, क्यों बोलता हूँ थोड़ा ध्यान से देखना, आप समझ जाओगे। देखते रहो बस, हिलती रहती है भाई। वाह क्या वाह, इसको भाई इसको देख के मुँह से पानी निकला। ले ले उठा ले, वाह भाई बंदा अच्छी ढूंढ के ले रहा है ना। चल बढ़िया खा एंजॉय कर। अब तन्नू लेगा, एक और वो करनी है, नहीं वो तो ठीक है, पर एक फेरा और लेके आओ फेरा, हाँ। सच में नहीं यार बस हो गया। मैं दोस्तों सही बताऊँ तो घर के काम थोड़े कम करता हूँ, इस वजह से एक बार फिर से देखो ये क्या कर रहे हैं, अब टब भर रहे हैं और बोल रहे हैं कि एक बाल्टी और लेके आनी है, और मम्मी जी के तो बाहर कज़न ना रखे। देखो मम्मी जी यहाँ पे बिजी है, और मेरा क्या है ना जो कंफर्टेबल नहीं होते मैं वहाँ पे कैमरा ऑन नहीं करता। मैं पता है मैं दूसरी बार ना भाई दो बाल्टी उठा के लाया हूँ, और ये होना नहीं चाहिए, अब मैं एक लास्ट बार बता दिया ठीक है। यार भाई मेरी शक्ल तो देखो कितनी काली, बेशक भाई इसने क्या किया, इतने दूर से मैं पानी लेके आया और यहाँ पे आके बता रही कि मैं नहाने के लिए पानी डलवा रही हूँ। नहाने के लिए मैं सिर्फ यूज करने के लिए, मान के चलो बर्तन धोने हो या वैसे काम करने, तो उसके लिए तो मैं बात ले आऊंगी ना। नहीं मम्मी नहीं यूज कर, ये यूज करने के लिए है ना। तेरे को झूठ बोल कर गई, देख तेरे से मैं भाई बड़े मेहनत से पानी भरवा लिए तेरे से, मैं बोला नहीं मैं बड़ी मेहनत से लगा पड़ा हूँ। दूसरी बार तो मैंने ये भी सोचा चल मोटी है, मैंने कहा चढ़ नहीं पा रही बेचारी, मैं दूसरी बार दोनों बाल्टियाँ मैं लेके आया ना, तो पैदल चल के आई ना वो भी मम्मी पता है कितने मासूम भाई, आप पता नहीं चलते। मैंने भाई को जानबूझ कैसे चैलेंज किया, मैं दोनों बाल्टी उठा सकती, बोलते मैं उठा के बता दूं वो तो चलो फंस गया है कुछ भी है, पर यहाँ पे आके पता चला भाई कि लड़की अब नहाने के लिए बोल रही है। ओए तेरे को क्या चाहिए अब? और मक्खी खाएगा? अच्छा चलो अभी बस। यहाँ पे नैतिक जो है वो भाई के ऊपर जादू करने जा रहा है। पक्का कर लेगा ना तू? ठीक है, देखो ना अभी चेक करो, आपको बताना है ठीक किसमें ज्यादा लगती है। ठीक है, ऐसे दबा रहे ना ये। हाँ हाँ इसमें आपने नाम दो बार सोचा। मेरे नाम की? हाँ दो वर्ड सोचने। तेरे को पता तो है। नहीं फिर भी सोच लो आप दिमाग में। बताओ। बी आई काटो। एक काट दो, एक वर्ड काट दो इसमें मन में। वी बोलो मत ना बोलो मत, इसने बताना था कि भाई कौन सा वर्ड काटा। दोबारा से कर, दोबारा से कर। काट दिया मान के चलो, फिर से काट दिया। वी आई ना? हाँ काट दिया। देखने में कौन सा काटा, क्या पता लगाता है। आई मैंने वी काटा था, बस फेल हो गया जादू। तेरे को बताया अभी फेक जादूगर है। फेक है चम्मा, फेक है तू। ऐसे जादू किसी और घर में पिट गया, पिटेगा कि फेक है तेरे रे। तो देखो हमारे घर के दो मेहमान और आप पहुंचे हैं। क्या आज क्या लेके आए हो? ये किसके लिए? ये फ्री में लेके आ गए। मतलब किसकी? जीजा की शॉप से। फिर ऐसे ही मेले से उठा के मतलब ऐसे उठा के लाए, पैसे दे के लाए, पैसे दे के। तो ये किस मतलब कौन सा सामान रखना होता है इसके अंदर? इसमें सब कुछ रख सकते हो आप, आपका जो डेली का सामान है सब। वाह भाई, घर के लिए देखो होममेड डब्बे लेके आए। और आज नहीं कुछ खाने पीने के लिए लेके आए? नहीं। वाह भाई, अब मेरे पास पैसे नहीं थे आज। ओह बेचारे, इसमें क्या लेकर आएंगे? इसमें तो कपड़े हैं, हमारी फ्रेंड के पास थे हमारे कपड़े। मैंने जो काम दिया था हुआ डॉक्यूमेंट्स का थोड़ा बहुत? आपने बोला नहीं सुबह मैंने आना, तो मैं कॉपी आपके पास देके गई थी। पल्लू ने बोला कि भाई ने भी आना, इसलिए मैं कॉपी लेके गई थी। आपने तो बोला मैंने नहीं आना था, और तुमने तो कॉपी में देके गई थी वापस। हाँ चलो, अब कल खुद ही जाना पड़ेगा। और अभी पल्लू ने ना पता नहीं कौन से यहाँ का कल्चर जो फॉलो कर लिया। बताओ राजस्थान का ऐसा कल्चर रहता है या फिर कहाँ का? सुन रहे हैं झुमके अभी, मतलब वो देख के मतलब ना घर बालों लगा है कुछ भी, जब खुले मम्मी तेरे कान में पता मेरे को कैसा लग रहा है, कैसा लग रहा है मम्मी? बड़े बड़े मेंढक नहीं होते देखो ऐसे ऐसे करो, देखो सुंदर नहीं लग रही, ज्यादा ही हैवी हो रहे हैं, ऐसे लग रहा है। वो पता क्या है अभी, पता क्या लग रहा है, पता कैसा लग रहा है? बकरा नहीं होता है, बकरे के यहाँ पे दो गुठली होती है बड़ी बड़ी, वो करता है ऐसे। मैं ऐसी बात नहीं है, पता क्यों लग रही है? क्योंकि मैंने अभी बाल खुले छोड़े, तेल लगाए तो बाल सेट से हो गए। जब खुले बाल छोड़ के और सुंदर लगेंगे, ऐसे सुंदर नहीं लग रहे हैं। हाँ सुंदर लग रहे हैं, वाह बढ़िया, वाह वाह।